सलमान खान के पड़ोसी केतन कक्कड़ ने कई सारे आरोप लगाए हैं सलमान खान पे। केतन का कहना है कि सलमान खान डी गैंग की आड़ में बने हुए हैं, वो बच्चों की तस्करी में शामिल है और उनके फार्म हाउस पे कई एक्टर्स की लाशें गड़ी हुई हैं। ये सारे गंभीर आरोप सलमान खान के पड़ोसी केतन कक्कड़ ने लगाए हैं, जिस वजह से सलमान खान ने केतन के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। केतन ने अपने कई इंटरव्यूज में सलमान पे आरोपों की झड़ी लगा दी है। इतना ही नहीं, केतन ने सलमान के धार्मिक पहचान के ऊपर भी टिप्पणी की है। साथ ही केतन ने सलमान पर शिवसेना से जुड़े होने और बच्चों की तस्करी का भी आरोप लगा दिया है। गुरुवार को कोर्ट में सलमान की तरफ से कहा गया कि केतन कक्कड़ जो भी आरोप लगा रहे हैं वो उनके दिमाग की उपज है। सलमान ने कहा, प्रॉपर्टी के विवाद पर आप मेरी पर्सनल रेपुटेशन क्यों खराब कर रहे हैं? आप इस विवाद में मेरे धर्म को क्यों ला रहे हैं? मेरी माँ हिंदू है, मेरे पिता मुसलमान है और मेरे भाइयों की भी शादी हिंदू लड़कियों से हुई है। हम सब लोग मिलकर सारे त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। आप एक पढ़े लिखे इंसान है, कोई गुंडा छापने जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आजकल सबसे आसान काम है कुछ लोगों को इकट्ठा करना, सोशल मीडिया पर आना और अपना सारा गुस्सा निकाल देना। दरअसल केतन का आरोप है कि सलमान ने उनकी जमीन पर गेट लगाकर अपना कब्जा कर लिया है। वो जमीन पर अपना घर बनवाना चाह रहे हैं लेकिन सलमान ऐसा नहीं करने दे रहे। फिलहाल तो ये मामला कोर्ट में चल रहा है लेकिन इसकी वजह से सलमान एक बार फिर विवादों में घिर गए। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं था मधुकर पाठक, फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में।